मालपुआ बनाने के लिए जो है मैंने लिया है गेहूं का आटा। इसमें मैं गुड़ की पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहो तो इसमें पाउडर्ड शुगर ऐड कर सकते हो, शक्कर ऐड कर सकते हो, या फिर गुड़ भी ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ा हेल्दी बनाना चाहती हूँ तो मैं गुड़ पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें। अगर 3 चम्मच आटा है तो 3 चम्मच ही गुड़ की पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें मैं एक छोटा पिंच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसका थिक पॉरिंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए, स्मूथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। आप चाहे तो विस्कर से इसको घुमा लीजिए। और ये हमारा बैटर रेडी है मालपुआ बनाने के लिए। बाज़ार में जो है बहुत ही ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं मालपुआ बनाने के लिए, तो मैं घर में जो है कम तेल में हेल्दी मालपुआ बनाना चाहती हूँ, तो मैंने तेल बहुत ही कम यूज़ किया है। आप देख सकते हैं, और तेल कम यूज़ किया तो ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत जले, और हल्का सा जलेगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं जलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अब मैं डाल रही हूँ, अभी तवा गर्म हो गया है। ऐसे ऐसे हम गोल कर देंगे। और ये पकना शुरू हो गया है। इसे तुरंत मत पलटिएगा आप, देखिए ऐसा हो सकता है। इसे थोड़ा और पकने दीजिए, और आप इसे धीमी आंच पर रखिए, या तो एकदम ही लो फ्लेम पर आप इसे पकाइए ताकि ये जले ना। अब मैं इसे पलट दूंगी। आराम से पकने दीजिए इसे, क्योंकि हम इसमें तेल का यूज़ नहीं कर रहे, और तेल ज़्यादा नहीं है तो इसलिए ये जल भी सकता है। देखिए ये ऑलमोस्ट पक के रेडी है। ये देखिए बीच में थोड़ी सी फ्लेम हाई होने की वजह से ये साइड से थोड़ा जल गया है, और ऑयल भी कम है हम यूज़ कर रहे हैं इसकी वजह से ये थोड़ा जल गया है।